कान्हा पशु आश्रय केंद्र नगर पंचायत तैद्वारी का जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने किया आकस्मिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान पशु आश्रय स्थल पर 220 गौवंश संरक्षित पाए गए, जिसमें 123 गाय, 97 बछड़े तथा 478 कुंतल भूसा पाया गया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तैद्वारी श्री राम बदन को निर्देशित किया कि चुनी, चोकर, भूसा, नमक इत्यादि खाने में गोवंश को दिया जाए। जिलाधिकारी में 150 बोरे बारदाना के गोवंशों को उड़ाया तथा गुड़ खिलाया। निरीक्षण के समय उपस्थित चेयरमैन तथा पशु अधिकारी श्री नंदलाल कुशवाहा, खंड विकास अधिकारी तैद्वारी अमित यादव सहित ग्रामीण वासी उपस्थित रहे। एक हमारी नगर पंचायत तिदवारी द्वारा संचालित एक गौशाला है, कान्हा पशु आश्रय स्थल है। इसमें 220 गौवंश हैं, जिसमें 123 गायें हैं और बाकी 97 जो है नर हैं, और भूसा भी 400-450 कुंतल के लगभग है, और उनके बाद नमक भी है। तो खाने पीने की सारे की व्यवस्था है, और आप देख रहे हैं पक्की गौशाला बनी हुई है। सरकार की जो बेहद गो आश्रय स्थल है उसके तहत बनी है। 1,20,00,000 पर लगता है, लेकिन इन लोगों ने कम जगह होने के कारण 1 करोड़ में ही बनवाया है। तो गांवों की अच्छी व्यवस्था है। हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन वीडियो साहब हैं, ईओ हैं, और हमारे सीबीओ साहब हैं। हम लोग सब आए हैं, और मैं मंडी से करीब 250-250 बार बोरे लाया हूँ जूट के बारदाने। तो मैं कुछ गौ माताओं को यहाँ पर उड़ाया हूँ, बाकी दूसरी जगह जा रहा हूँ जहाँ अस्थाई है, जहाँ ज़रूरत है। गुड़ भी खिलाया गया है, तो व्यवस्था अच्छी है, और इसी तरह व्यवस्था होनी चाहिए, और हम लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए।